अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। आज हमारे एक्सेसिव थिंकिंग के कोर्स की आखिरी क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो टेक्निक्स अप्लाई की अपनी एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, उनको अब आपने कैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है और एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ आना है। जब हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम सारी जिंदगी वही टेक्निक्स अप्लाई करते रहेंगे तो हमारी तबीयत बेहतर रहेगी, बल्कि ऐसा है कि जब हम वो टेक्निक्स अप्लाई करते जाते हैं तो हमारा जहन ट्रेन होता चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोचें जो हैं वो हमारी ग्रिप में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही हमारी सोचें हमारे ग्रिप में आती हैं, हम उन टेक्निक्स को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू हो जाते हैं। जब हम पूरी साइकोथेरेपी करते हैं तो उसमें हम आपकी थॉट्स, आपकी इमोशंस, आपके बिहेवियर्स सबको हैंडल करते हैं और सबके लिए टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। इसलिए ये बात आपने अपने आप को बिल्कुल क्लियरली बतानी है कि ये कोर्स जो है इसमें सिर्फ आपकी एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को टोटली सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। एक्सेसिव थिंकिंग कंट्रोल होने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके बाद भी कुछ कमी है तो आप इसके लिए प्रॉपर थेरेपी ले सकते हैं। अब हमने जो टेक्निक्स अप्लाई की हैं उनको कैसे ख़त्म करना है और कैसे नॉर्मल लाइफ की तरफ आना है, इसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स के लिए की एग्जांपल देकर आपको बताऊंगी। जैसे सपोज के आपने थॉट को रिजेक्ट करने वाली एक टेक्निक, जिसको हम थॉट स्टॉपिंग कहते हैं, वो आपने अप्लाई की, जिसके लिए मैंने आपको गाइड किया कि आपको जब भी थॉट आए आपने उस थॉट को रिजेक्ट करना है और उसको रिजेक्ट करने के बाद अपने फोकस को शिफ्ट करना है। जब आपकी वो थॉट्स जो हैं वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएं तो उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, यानी हमने इसको ख़त्म कैसे करना है। इसके लिए हम ये करते हैं कि हम फिर थॉट्स को जब रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सपोज़ कि पहली दफ़ा जब हमने प्रैक्टिस की तो हमने रिजेक्टेड बोल के रिजेक्ट किया था। अब हम ये करेंगे कि हम रिजेक्टेड बोलने के साथ हम एक सिग्नल सेट कर लेंगे, जैसे कि हम रिजेक्टेड बोलेंगे और मुट्ठी दबाएंगे। मुट्ठी दबाने से आपके नाखून आपकी हथेली पर दबाव देते हैं, जिससे आपको हल्की सी पेन होती है। ये पेन जो है ये आपका सिग्नल होगा, यानी आपने एक्सेसिव थिंकिंग को रिजेक्शन दी विद अ सिग्नल, एक सिग्नल के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपने कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस की तो उसके बाद आपने रिजेक्टेड बोलने के बजाय सिर्फ सिग्नल देना शुरू कर दिया, यानी कि आपको थॉट आई और आपने उसको सिर्फ मुट्ठी दबा के एक सिग्नल दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता इस सिग्नल के साथ आपकी थॉट रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आखिरी स्टेप होता है कि हम उस सिग्नल के बजाय हम आंखों को ब्लिंक करके, यानी आंख को झपक के, हम अपने आप को एक सिग्नल देते हैं और उससे हमारी थॉट रिजेक्ट हो जाती है। जब आपकी थॉट आंखों को झपकने से रिजेक्ट होने लगी तो उसके बाद फिर एक हफ्ते या कुछ दिन के बाद आपने आंखें झपके बगैर, यानी आपने नॉर्मल आंखें झपकते हुए आपने अपने जहन में बस सोच लिया कि ये सोच जो है ये रिजेक्ट हो गई है, और वो हो जाती है। इस तरीके से हम अपनी सोचों को रिजेक्ट करने की टेक्निक को फिर हम ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन हमारी थॉट्स रिजेक्ट हो रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आपने टेक्निक अप्लाई की डिले की, यानी कि आपने कोई टाइम दे दिया अपनी थॉट को कि अच्छा ठीक है, मुझे ये थॉट जो आ रही है मैं इसको 4 बजे सोचूंगी, तो जो आपने टाइम दिया आपने उसके लिए अपनी थॉट को हर दफ़ा बोला कि मैं अब जैसे सपोज सोच आई कि मुझे कुछ हो ना जाए, आपने कहा 4 बजे सोचूंगी। फिर आपको सोच आई कि कुछ हो ना जाए, आपने कहा 4 बजे सोचूंगी।
तो आहिस्ता आहिस्ता आपने ये प्रैक्टिस की तो आपकी सोच 4 बजे पर शिफ्ट होना शुरू हो गई, और 4 बजे आपने अपनी सोच को शिफ्ट करने के तरीके पर अमल करने के लिए अपने आप को शाबाश दी। इस तरह से जब आपने 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन प्रैक्टिस कर ली और आपने देखा कि आपकी थॉट इजीली अब 4 बजे पर शिफ्ट हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी थॉट्स को थोड़ा सा डिले से चेंज करना शुरू कर दिया। यानी कि जब भी सोच आई, बजाय इसके कि फौरन आपने कहा 4 बजे, आपने एक डीप ब्रेथ लिया और उसके बाद कहा कि अच्छा 4 बजे। आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन इस चीज पर भी तैयार हो जाएगा कि जब आपने सोच को डिले के साथ, यानी एक डीप ब्रेथ लेने के बाद 4 बजे का टाइम दिया, तो वो सोच 4 बजे पर खुद ब खुद शिफ्ट हो गई। फिर इसके बाद उस डिले को आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि आपकी सोच आएगी, और आपने डिले अभी दिया होगा, वो सोच खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, आपको 4 बजे का टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप उस टेक्निक को अप्लाई करके अपने आप को बेहतर बना के उस टेक्निक को छोड़ दोगे। ये तरीके जो होते हैं, इसमें हम फिर अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारी ट्रेनिंग जो है कम से कम 4 से 6 हफ्ते की, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने की हो। 2 से 3 महीने भी कई दफ़ा लग जाते हैं, लेकिन मिनिमम हम 4 से 6 हफ्ते इसके लिए रखते हैं कि हमारी थॉट्स हमारे ग्रिप में आ जाएं। थॉट्स के साथ साथ हमें अपनी इमोशंस पे, अपनी रिलैक्सेशन पे और साथ ही साथ अपने बिहेवियर्स पे भी काम करना होता है। तो अगर आप प्रॉपर थेरेपी लेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सेसिव थिंकिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये कोर्स जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब आपने अपनी एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल भी कर लिया और अपनी टेक्निक्स को छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके बाद फिर आपने कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करना होता है कि क्या मेरी थॉट्स अभी भी मेरे कंट्रोल में हैं। अगर वो कंट्रोल में नहीं हो रही, या 1-2 हफ्ते या 1 महीने के बाद दोबारा कोई इश्यू आ रहा है, तब आप कुछ दिनों के लिए अगर उनमें से कोई एक टेक्निक अप्लाई करते हो तो आप बेहतर महसूस करोगे। तो इस तरह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ महीने के बाद दोबारा फीलिंग उसी तरह की आती है और सोचें चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही दोबारा सोचें बढ़ने लगें, आपने फौरन 1 या 2 टेक्निक्स अप्लाई की, अपने आप को बेहतर बनाया, और इस तरह से जब आपने हर दफ़ा किया तो आप देखेंगे कि विद इन फ्यू वीक्स या मंथ्स आपकी सोचें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा जैसे ही आपने थॉट्स को कंट्रोल करने की टेक्निक्स जो हैं उनको छोड़ा, तो आपने अपने आप को सोचने के लिए कोई टॉपिक देना शुरू कर देना है। जैसे कि आपको सारे दिन में जब भी फारिग होंगे, अपने किसी इंटरेस्ट के बारे में, किसी हॉबी के बारे में, किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में सोचना है, बजाय इसके कि आपका जहन खाली हो। और खाली रहेगा तो फिर उसमें दोबारा से परेशान सोचें आ सकती हैं। तो मस्बत सोचों को, अच्छी सोचों को जगह देने की उस वक्त पे आपने कोशिश करनी है, ताकि आपका जहन अच्छी सोचों की तरफ लगना शुरू हो जाए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको गाइड किया है कि आप किस तरह से अपनी सोचों को कंट्रोल करने की टेक्निक्स को ख़त्म करते हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं। अब आपने ये टेक्निक्स ख़त्म करने की ट्रेनिंग अपने आप को देनी है, और उसके बाद अपने आप को बेहतर महसूस करते हुए एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लाना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।